यूनिट 7 पी ब्लॉक का ये सेकेंड लेक्चर है। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन क्लास और बेसिक क्लास कल के क्लास में यानी पिछले लेक्चर में दिया गया था। आज भी थोड़ा सा रिकैप देते हुए कल के क्लास का आज ये क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट, वे सभी एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आउटर ऑर्बिट के पी सबसेल में इंटर करता है पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के एलिमेंट को रखा गया है। इस पी ब्लॉक के अंतर्गत 6 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन और नोबल गैस। हम लोग को नाइट्रोजन फैमिली से अपना स्टडी स्टार्ट करना है। नाइट्रोजन फैमिली में हमने बताया था कि 5 एलिमेंट का सीरीज है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे थोड़ा पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब मेटल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नोबल गैस, यानी हर तरह का तत्व अगर किसी कोई ब्लॉक में अगर प्रेजेंट है तो वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, सब मेटल भी है, नोबल गैस भी है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक प्रेजेंट है। इसलिए इसका स्टडी थोड़ा टफ हो जाता है। तुरंत एक ही ग्रुप में ऊपर में अगर नॉन मेटल मिलता है तो बीच में सब मेटल मिलने लगता है और लास्ट में मेटल मिलने लगता है, इसलिए इसका स्टडी थोड़ा और टफ हो जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के 5 एलिमेंट का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएसएसबी, बिस्मथ। इसको निकोजेन फैमिली का ग्रुप का एलिमेंट बोलते हैं और ये निकोनाइड्स कहलाते हैं क्योंकि पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप होते हैं ये, इसलिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था कि इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है। NH2NP3 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सभी के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी 3 होती है। भौतिक अवस्था के बारे में बताए थे कि एक अकेला नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और अन्य सारे एलिमेंट ठोस अवस्था में। क्यों पाया जाता है नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, क्यों नाइट्रोजन द्विपरमाणु अवस्था में पाया जाता है, यह हमने आपको कल बताया था। जल्दी से इसका रीजन बताया जाए क्योंकि यह पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। दो नाइट्रोजन के परमाणु जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दो पी ऑर्बिटल का रैखिक और समानांतर अतिव्यापन हो पाता है। तो समानांतर अतिव्यापन होने से पाई बॉन्ड बनता है और ये पाई बॉन्ड पी पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनता है, इसलिए इस पाई बॉन्ड का नाम पड़ गया पी पाई बॉन्ड। और ये पी पाई बॉन्ड फास्फोरस क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि जब उसके दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण इसका दो पी ऑर्बिटल समानांतर अतिव्यापन नहीं कर पाता है और वो दो परमाणु से अणु नहीं बना पाता है। चार परमाणु से अणु बनाने में ये सफल है फास्फोरस, एएसएसबी और बिस्मथ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का यही रीजन है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस, एएसएसबी, बिस्मथ ये सभी ठोस अवस्था में। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है और इस सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएसएसबी, बिस्मथ में सबसे अधिक मतलब क्रियाशील तत्व है, रिएक्टिव एलिमेंट है फास्फोरस, इसलिए इसको जल में डुबाकर रखते हैं। तो ये था रिकैप। आज से जो पढ़ना है अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है, नाम है परमाणविक आकार, परमाणविक त्रिज्या। हम लोग को नाइट्रोजन फैमिली के एटॉमिक साइज का स्टडी करना है। जैसा कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो इतना जरूर जानते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से क्या पता चलता है कि नाभिक के बाद दो ऑर्बिट मिलेगा। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, मतलब नाभिक के बाद तीन कक्ष मिलेगा। नाभिक के बाद तीन कक्ष मिलेगा। इसमें नाभिक के बाद कितने कक्ष मिलेंगे, 4, 5, 6। अब यही से मेन कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ बता दें। आप नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत में अपने पी ब्लॉक के अंतर्गत में 4 ग्रुप का स्टडी करेंगे।
पहले ग्रुप का नाम होगा नाइट्रोजन फैमिली, दूसरा ऑक्सीजन फैमिली, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नोबेल गैस। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाने के क्रम में हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बाद ट्रेंड के साथ। लेकिन जब अन्य फैमिली में हम जाएंगे तो वहाँ एटॉमिक साइज का इतना डिटेल नहीं आएगा जितना अभी नाइट्रोजन का आ रहा है, क्योंकि सब एक जैसा ही अपना लेकर आएगा। सारा डिटेल नाइट्रोजन फैमिली में मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ, बाकी अन्य ग्रुप में केवल हम ऑर्डर समझाएंगे कि इसके इससे इसका क्रम कैसे होता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम जीरो लेवल से हम लेके चलेंगे, इसलिए ये दो तीन चार दिन का क्लास, स्टार्टिंग क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बल पर ऑक्सीजन फैमिली, इसी के बल पर हाइड्रोजन फैमिली और नोबेल गैस आप पढ़ेंगे। इसलिए अपना ध्यान बनाए रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो देखा जाए किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आने वाला नया एलिमेंट ऊपर से नीचे जाने पर हर एक एलिमेंट एक नए सेल को लेकर आ जाता है, एक नए कक्ष को लेकर आया। जैसे यहाँ से यहाँ आए नाइट्रोजन से फास्फोरस, तो नाइट्रोजन में दो ऑर्बिट था, फास्फोरस में तीन, एस में चार। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार कक्ष की संख्या बढ़ रही, लेकिन कक्ष की संख्या बढ़ने से जो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कक्ष की संख्या बढ़ने से ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने से जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो कम होता जा रहा है। नाभिक जितना आकर्षण बल से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब उससे कम खींचेगा इसमें, उससे कम खींचेगा इसमें। इससे क्या होगा, नाभिक मतलब परमाणु का जो आकार होगा वो फैल कर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से आकर्षित करने में उतना सक्षम नहीं रह पाएगा। तो जैसे जैसे हम किसी भी वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, लगातार कक्ष की संख्या में वृद्धि होती है, और कक्ष की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणुक आकार में वृद्धि होती जाती है। जल्दी से बता दीजिए, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे छोटा आकार नाइट्रोजन, सबसे बड़ा आकार ग्रीष्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनन विभव का ट्रेंड पढ़ने से पहले, इसका क्रम पढ़ने से पहले आज आप अच्छे से लास्ट बार जान लीजिए कि आयनन विभव क्या होता है, तब आप आयनन विभव के क्रम का अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं रटना होगा। यहाँ से शॉर्ट ऑब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चन बन रहा है, समझने का आप में क्षमता होना चाहिए। जैसे आयनन विभव क्या है पहले ये समझिए, तब उसका ऑर्डर समझिएगा। 11th क्लास में ही ये पढ़ना था। ये है सोडियम का परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8, तृतीय कक्ष में 1। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और नाभिक पर धन आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना नज़दीक होता है उतना ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा रहता है, और जितना ज़्यादा दूरी पर होता है उतना कम आकर्षण बल से बंधा रहता है। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, कारण है कि कम आकर्षण बल से बंधा है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे अधिक ऊर्जा लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे अधिक, क्योंकि सबसे नज़दीक सबसे ज़्यादा आकर्षण बल। तो यहाँ पर आयनन विभव क्या है अब आप सुनेंगे तो ठहरेगा दिमाग में। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। फिर से, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्यों लगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कम ही आकर्षण बल से बंधा है, लेकिन बंधा है एक निश्चित आकर्षण बल से, नाभिक से बंधा हुआ है, और आप उल्टा काम कर रहे हैं, इस आकर्षण बल से छुड़ा कर इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध जितना ऊर्जा आप खर्च कीजिएगा उसी खर्च ऊर्जा, उसी आवश्यक ऊर्जा का नाम है आयनन विभव।
अब आइए आयनन विभव के ट्रेंड को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये है एटम ए और ये है एटम बी। अब आप ही बताइए, दोनों एटम को देख लिए, छोटा है और ये किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा आप खर्च करेंगे, छोटा वाले को कि बड़ा वाले को, ए को कि बी को? यानी बी से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, इसलिए ज्यादा आकर्षण बल से बना रहेगा और यहाँ आकर्षण बल कम रहेगा। तो आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आकार अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी आज के बाद आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान कम हो। तो आप ही बताइए, आयनन विभव का मान जब कम होगा तो नाइट्रोजन से बड़ा आकार फास्फोरस का है, फास्फोरस से बड़ा एएस का है, उससे अधिक एसबी का है। तो आप जब इतना समझ रहे हैं, आकार भी लगातार आप देख लिए, ये स्थिति में है तो सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? नाइट्रोजन, उससे कम, सबसे कम, कारण इसका आकार सबसे बड़ा होगा, इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, तो इसके आयनन विभव का मान सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है, क्यों? तो दो लाइन में जवाब होगा, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सर्वाधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए इसके आयनन विभव का मान उच्च होता है, ठीक है? नेक्स्ट, तो आयनन विभव का ट्रेंड आपने देख लिया, आयनन विभव का ट्रेंड, आयनन विभव का ये ट्रेंड है, आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? घटेगा। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता का। विद्युत ऋणात्मकता पढ़ने से पहले आपको पूरा डिटेल उसका दे दे, उसका ट्रेंड पढ़ने से पहले हम लोग को केवल ऑर्डर पढ़ना है, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये है क्या, इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि आप शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़े और ना रटे, बिना रटे आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाए, बशर्ते कि आप ध्यान से सुनिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि पी ब्लॉक और डी एंड ए ब्लॉक के क्वेश्चन का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं से आ जाता है, क्वेश्चन हल्का होता है और नया होता है, और क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान होता है पेपर सेटर को, इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे ये दोनों चैप्टर। अगला मतलब आने वाला 15 दिन का ये पढ़ाई एकदम डिफरेंट है, कभी भी हमेशा नया क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और क्वेश्चन हल्का होता है, केवल वही लिख पाता है जो समझ के पढ़ा होता है, जो रट के पढ़ा होता है वो नहीं लिख पाता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, और आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे लगेगा कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने समझकर हर एक पॉइंट पर मतलब अध्ययन किया है। देखिए, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है पहले हम ये समझा दें आपको। एक अणु है HCl और HCl अणु में आप सभी देख पा रहे हैं हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, क्लोरीन अपना 7, और दोनों के बीच साझेदारी होगी। साझेदारी जो हो रही है समान परमाणु के बीच कि असमान परमाणु के बीच? असमान परमाणु के बीच। और H2 अणु में जरा बताइए, ये जो साझेदारी हुआ समान परमाणु की असमान? तो यहाँ दोनों एटम सेम है और यहाँ दोनों एटम डिफरेंट है। एटम डिफरेंट होगा, डिफरेंट पावर लगाएगा, डिफरेंट क्षमता लगाएगा इस बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो किसी भी अणु में परमाणु के चारों ओर दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक बंधित युग्म और एक निर्जन युग्म। बंधित युग्म हमेशा दो परमाणु के नाभिक के संपर्क में रहता है और निर्जन युग्म केवल एक। तो हमारा जो परिभाषा है विद्युत ऋणात्मकता का वो केवल बंधित युग्म से संबंधित है, तो आपका ध्यान केवल बंधित युग्म पर होना चाहिए। किसी बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु द्वारा खींचने की क्षमता
विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु द्वारा खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यहाँ पर यह बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन है, एच द्वारा भी खींचा जा रहा है, सी एल द्वारा भी। यहाँ भी इस बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को दोनों के द्वारा खींचा जा रहा है। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ना बाएं खींचाएगा ना दाएं, कारण है दोनों सेम एटम है, बीच में ही रहेगा। तो निश्चित है कि आवेश उत्पन्न यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ आवेश होगा उत्पन्न, क्योंकि दोनों असमान परमाणु है, असमान क्षमता से खींचेगा। तो सीएल अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। किसी बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। याद रखिएगा, बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को, निर्जन युग्म को नहीं, और बंधित युग्म दो परमाणु के नाभिक से बंधा रहता है। तो यहाँ आवेश क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? दोनों परमाणु समान था, और यहाँ आवेश क्यों उत्पन्न हुआ? अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट हम विद्युत ऋणात्मकता का बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक परमाणु यहाँ ए है और एक परमाणु बी है। दोनों का साइज आप देख पा रहे हैं, ये छोटा साइज में है और ये बड़ा है। इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचना है। बताइए कौन तेजी से खींच पाएगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। छोटा वाला क्यों खींच पाएगा? क्योंकि उससे नाभिक के बीच की दूरी कम होगी। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, आकार में वृद्धि होने से विद्युत ऋणात्मकता के मान में, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता में कमी होती है। और अगर आकार में कम रहेगा तो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन फास्फोरस एएसएसबी बिस्मथ में सबसे छोटा आकार, यही कारण है कि नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? अधिक होता है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, हम पढ़ा रहे नाइट्रोजन फैमिली और हम आपसे क्वेश्चन कर दिए ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा और सबसे कम? अगर हम यही बात फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में पूछते, आयोडीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और सबसे कम? इसलिए हम बोले कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप तीन चारों ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक बार में समझते चलेंगे। अब वहाँ केवल लिखना रह गया हैलोजन फैमिली के पास, ऑक्सीजन फैमिली के पास, इसका क्रम ये होगा। क्यों होगा? जवाब यहीं पर मिला, अच्छे से आगे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक गुण, जैसा कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल, नोबेल गैस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सब तरह का एलिमेंट है। तो देखिए, एक ग्रुप का केवल बात कर रहे हैं, पूरा ब्लॉक का तो छोड़िए, एक ग्रुप का बात कर रहे हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों अधातु है, एस एस बी उपधातु है, सब मेटल है, ये है नॉन मेटल और ये है सब मेटल और ये ओनली मेटल बिस्मथ। तो क्या आप कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं धात्विक गुण बढ़ रहा है? यहाँ धात्विक गुण शून्य था तो अधातु पूरा कहलाया, थोड़ा सा धात्विक गुण आ गया उपधातु हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया धातु, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में क्या होती है? तो यहाँ पर बताया गया कि नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, एएसएसबी उपधातु और बिस्मत प्रारूपी धातु है। आ चुका भी है नाइट्रोजन परिवार में वो कौन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूपी धातु है? ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस एएस, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई प्रारूपी धातु नहीं, कोई धातु नहीं है। ये दोनों अधातु है तो ये उपधातु है।
आणविक अवस्था जिसके बारे में हमने पहले ही दिन समझा दिया कि नाइट्रोजन अकेले दो परमाणु से अणु बनाता है N2 के रूप में, जबकि फास्फोरस P4 SS4 SB4। क्यों? तो इसका जवाब है कि नाइट्रोजन का दो परमाणु जब नज़दीक आता है तो इस ये पीपाई बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस आकार में बड़ा होने के कारण पीपाई बॉन्ड का निर्माण, इसलिए वो दो नहीं चार परमाणु से अणु बनाता है, और चार परमाणु से अणु बनाने वाला टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, चार परमाणविक अणु कहलाता है। और इसका मेन रीजन यही है पीपाई बॉन्ड का निर्माण करना, जो आप समझ गए। नेक्स्ट, क्वथनांक एवं गलनांक, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। क्वथनांक गलनांक का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा गया है, बताया गया है कि क्वथनांक गलनांक का मान प्रथम तीन तत्व में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बाद में घटते जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू में लगातार तीन तत्व में संयोजकता में वृद्धि होती है और बाद के दो तत्वों में कम हो जाती है। कारण यह है कि बाद के दो तत्व Sb से बिस्मत जाने में स्वसंयोजक बंधन के निर्माण की क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव से ग्रसित होते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा स्वसंयोजक बंधन बनेगा, स्वसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता बढ़ेगी, जटिलता बढ़ेगी, और जटिलता बढ़ेगी तो क्वथनांक गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट देख चुके हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस SS बिस्मत सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए, सबके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद ये केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, ये 3 और 5 दोनों संयोजकता प्रदर्शित करता है, ये भी 3 और 5 दोनों संयोजकता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 3, और ये दोनों मिलाकर लॉस करेगा तो 5। लेकिन जब यही बात बिस्मत में अध्ययन करते हैं तो यहाँ केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 5 नहीं। यानी NH2 इलेक्ट्रॉन 6S2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेता है। कारण यह है कि ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव से ग्रसित होता है। ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है? बाह्यतम कक्ष में रहते हुए बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेना, स्वसंयोजक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेना कहलाता है निष्क्रिय युग्म प्रभाव। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, निष्क्रिय युग्म प्रभाव का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण ये है कि जब परमाणु संख्या में लगातार मतलब वृद्धि होती जाती है तो वहाँ पर नाभिक जो है NH2 इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया रहता है, बांधे रखता है, इसलिए ये NH2 इलेक्ट्रॉन यानी 6s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में वहाँ भाग नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव देखा जाता है, और ये 6s2 इलेक्ट्रॉन तेजी से नाभिक की ओर खिंचाया रहता है, इसलिए ये बाह्यतम कक्ष में होते हुए भी ये बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो ये केवल 3 संयोजकता दिखाता है, और 3 संयोजकता दिखाने के कारण ये ससंयोजक बंधन कम बनाता है और क्वथनांक का मान कम हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ समझाया गया है, क्वथनांक एवं गलनांक का मान नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन से S तक बढ़ता है तथा Sb से बिस्मत तक घटता है। Sb और बिस्मत की +3 ऑक्सीकरण अवस्था निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण ज़्यादा अस्थायी होती है और +5 वाला नहीं। अपर रूपता, नाइट्रोजन का कोई अपर रूप नहीं होता है, फास्फोरस SS2 और बिस्मत ये अपर रूप प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस का 3 अपर रूप होता है, लाल सफ़ेद और काला, S पीला और हरा। Sb का 3 अपर रूप है, पीला सिल्वर और हरा, और बिस्मत तो खैर रेडियो सक्रिय रूप में पाया जाता है, तो ये अपर रूपता है। लास्ट है कैटेनेशन, ध्यान से समझेंगे कैटेनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कैटेनेशन पढ़े थे तो बताए थे किसी परमाणु का अपने ही जैसे परमाणु के साथ जुड़ जुड़ कर खुली श्रृंखला
और बंद श्रृंखला का निर्माण करना कैटेनेशन कहलाता है। जैसे ये देखिए, जल्दी बताइए, खुली श्रृंखला है कि बंद? और ये जो श्रृंखला हम बना दिए खुली, तो जब कोई परमाणु अपने ही जैसे परमाणु के साथ जुड़कर खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दोनों बनाता है तो इसी को कैटेनेशन कहा जाता है। अब हमको अध्ययन करना है कि इस नाइट्रोजन परिवार में किसका क्षमता कैटेनेशन का ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इस तरह का गुण रखता है। तो पता चला कि फास्फोरस की क्षमता सबसे अधिक है, नाइट्रोजन का जो क्षमता है एस से अधिक है लेकिन फास्फोरस से कम है। और कोई भी परमाणु जितना ज़्यादा कैटेनेशन का गुण दिखाएगा इससे ये साबित होता है कि उसके बॉन्ड में मजबूती उतना ही अधिक होगा। तो ये था कैटेनेशन का गुण, किसी परमाणु का अपने जैसे परमाणु के साथ जुड़कर खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का निर्माण करना कैटेनेशन कहलाता है। किसी परमाणु के कैटेनेशन को प्रदर्शित करने की क्षमता उसके बॉन्ड के मजबूती को दर्शाता है। और यहाँ बताया गया है कि नाइट्रोजन आर्सेनिक से अधिक और फास्फोरस से कैटेनेशन का गुण दर्शाता है। तो ये था भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन परिवार का भौतिक अवस्था का क्लास, फिजिकल स्टेट, भौतिक गुण का, सॉरी, भौतिक गुण का, फिजिकल प्रॉपर्टी का। अगर आप सभी स्टूडेंट लगातार ये पूरे इंटरेस्ट के साथ आप इस चैनल पर पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।